जहरीला पदार्थ खाकर युवती ने की आत्महत्या, परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल। ग्राम जावती में एक किशोरी द्वारा जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई। रविवार को जिला अस्पताल में शव का पीएम किया गया। मिली जानकारी के अनुसार विदिशा जिले के थाना आनंदपुर जिला लटेरी में एक युवती द्वारा अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ इल्ली की दवाई का सेवन कर लिया। आनन फानन में परिजन नजदीकी चिकित्सालय ले गए, जहां से उन्हें उपचार हेतु रेफर करने की बोला गया। हालात खराब देखते हुए परिजन गुना के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जो कि नजदीक पड़ रहा था। वहीं विगत रात युवती ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। युवती का नाम रूबी कुशवाहा, पिता मोतीलाल कुशवाहा, निवासी ग्राम जावती थाना आनंदपुर बताया जा रहा है। हालांकि आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। युवक की हत्या कर फरार हुआ आरोपी रिश्ते में लगता है भाई। परिजनों ने लगाया पत्थर से सर कुचलकर हत्या का आरोप। पुलिस जुटी जांच में। गुना जिले के म्याना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है युवक मृतक का रिश्ते में भाई लगता है। वहीं जिला अस्पताल में शव का पीएम कर परिजनों को सौंपा गया। जानकारी के अनुसार म्याना थाना क्षेत्र के ग्राम कालापाटा निवासी सुहर सिंह सहरिया पिता हरी सहरिया अपने रिश्ते में लगने वाले भाई गुड्डा सहरिया के साथ खेत पर बने घर पर गया था। खेत पर मृतक सुगर सहरिया की लाश मिली। वहीं घटना के बाद से ही गुड्डा सहरिया आरोपी फरार चल रहा है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। कालापाट इनकी मौत कैसे हुई? इनकी मौत घर ले जाने के मार दिया भाई। और मरा मिला मार दिया। घर से बुला के ले गए। कौन ले गए थे? गुड्डा मतलब भाई भाई करण सिंह का मोड़ा मेरे भैया तो अलग बोल मतलब परिवार के हैं। परिवार के से। अच्छा तो कहाँ पे ले गए थे घर से बोला? उनके खेत पर घर है जी। मैं ले पहुँचे जान के बाप बाप पीटो मैताई पीटी मैताई भाग आई हो मार कर फरार हो गया। करण फरार हो गया। गुड्डा 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 सिंह मार कर फरार हो गया। गुड्डा ने करी है इनकी मौत। हत्या है ना की मौत हो गई है। गुड्डा ने करी है सुगर सिंह की मौत। गुड्डा मार कर हत्या कौन ने की है इनकी? गुड्डा ने। गुड्डा अच्छा जी। तो आपको कैसे सूचना मिली? मैंने बाप ने आन के कही प्रधान है मेरे गाँव को। किसने मारा होगा? गुड्डा की गुड्डा की गुड्डा लेगा मतलब। अच्छा अच्छा उनके घर पे ही मिला है सब। और वो गुड्डा फरार है अभी। फरार तो गुड्डा ने उसके पिताजी को ही मारा है। घायल कर दिया अस्पताल में भर्ती है। अच्छा उसने बीच बचाव करा होगा उनके पिता। बीच बचाव करा तो बाद में मारो मैदान में चढ़ पड़ेंगे। किस चीज़ से हमला किया ये? पत्थर 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 से। बुवाई की मशीन ट्रैक्टर से चोरी करने आए चोर ट्रैक्टर के पहिए धसे कीचड़ में। रात भर ट्रैक्टर को निकालने का चोरों ने किया प्रयास, चोरी करने में हुए असफल। गुना जिले के बरखेड़ा गिर्द में बुवाई करने वाली मशीन को चोरी करने के लिए चोर ट्रैक्टर से आ पहुंचे, लेकिन ट्रैक्टर कीचड़ में धस जाने के कारण वे चोरी में असफल रहे। रात भर प्रयास करने के बाद चोर ग्रामीणों को सुबह आता देख कर रफ चक्कर हो गए। मिली जानकारी के अनुसार गुना जिले के बजरंगड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बरखेड़ा गिर्द में ट्रैक्टर लेकर बुवाई की मशीन व अन्य चीजों की चोरी करने पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रैक्टर से मशीन को ले जाने का प्रयास किया, लेकिन बरसात होने के कारण कीचड़ ट्रैक्टर में फंस गया। काफी प्रयास किया लेकिन वे नहीं निकल सका। इसके बाद चोरों ने अन्य ट्रैक्टर की मदद से ट्रैक्टर को निकालना चाहा, फिर वे नहीं निकाल सके। सुबह जब ग्रामीण आए तो उन्होंने वहीं ट्रैक्टर छोड़ वहां से भाग गए। वहीं पारदी समुदाय की महिलाएं मौजूद थीं और ट्रैक्टर को अपना होना बता रही थीं और बोलने लगी कि लड़के ट्रैक्टर घुमाने के लिए आए थे। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले में वे तहकीकात कर रही है। वहीं बजरंगढ़ थाना प्रभारी राम शर्मा द्वारा बताया गया कि महिलाओं के साथ चोर गांव में चोरी करने के लिए पहुंचे थे, जिनमें कुछ चोर मोटरसाइकिल ले गए और पंखा ट्यूबवेल की डोरी चोरी करने का प्रयास किया। वहीं इस मामले में चार महिलाओं सहित पुरुषों पर मामला दर्ज किया गया है। हालांकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है, जल्दी पुलिस की पकड़ में होंगे। बरकेला गिरद में क्या घटना हुई है? मशीन चोरी करके ले जा रहे थे, ये ट्रैक्टर फाड़ दिया आज रात में। कहाँ से आए थे ये? हैं हड्डी मिल के। अच्छा हड्डी मिल की बता रही है भी हैं, पता मालूम नहीं कहाँ की है। जो औरतें उनकी मतलब तो आदमी तो भग गए, जो औरतें ने उन्हें उन्हें भेज दी ट्रैक्टर उनको फंस कर रहे। और आदमी कहाँ पे फंस गया? जी है पीटर के पास में। कौन से रोड पर? सतनपुर रोड। अच्छा
मशीन लेने आए, मशीन चोरी कर भी आज रात में बुधू के ले जा रहे थे भी, तो वो कब आओ ट्रैक्टर ना बचते तो भी बुधू ही ले जाते। आज सरस्वती शिशु मंदिर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में लोगों को एक स्कूल संचालकों को जागरूक करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन। विद्या भारती मध्य भारत प्रांत की योजना अनुसार विपुल परिषद द्वारा जिले के सब वैचारिक विद्यालय संचालकों एवं प्राचार्यों के साथ स्थानीय सरस्वती मंदिर महावीरपुरा में विद्या गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें देवकी नंदन चौरसिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रमुख विद्या भारती एवं सदस्य स्टॉप वॉर स्कूल विभाग मध्य प्रदेश के मुख्य आतिथ्य में यह आयोजन किया गया। इसके साथ ही मंचासीन गोपाल जी, स्वर्णकाल अध्यक्ष भारत कल्याण विजय कुमार, सेवानिवृत्त प्राचार्य रहे। मैं देवकी नंदन चौरसिया। सर, आज जो कार्यक्रम किया गया वो किस विषय पर आयोजित किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में लोगों को जागरूक करने के लिए जो निजी संस्थान चलाते हैं ऐसे संचालक, उनके प्राचार्य, उनके लिए शिक्षा की गोष्ठी का आयोजन था। इस गोष्ठी में विषय था कि भारत केंद्र शिक्षा एक कैसी होगी और शिक्षा के केंद्र में भारत की आवश्यकता क्यों है। अभी तक जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो पूरी यूरोपियन सिस्टम पर थी, उसे बदल कर भारत के भाव को लेकर शिक्षा में जो बदलाव किए गए हैं उसके संदर्भ में एक दूसरे से चर्चा करना, आपस में संवाद करना, डिस्कस करना और उस शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करने की दृष्टि से इस आयोजन का किया। ठीक है सर। आज महाकाल की प्राचीन नगरी उज्जैन में बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह महाकाल की आरती की और बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद। गुना के वार्ड 9 की पार्षद सुमन लालाराम लोधा पार्षद वार्ड क्रमांक 9 गुना नगर पालिका के आह्वान पर वार्ड वासियों ने एवं मेरे मित्र गणों ने एवं नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों ने सफाई अभियान चलाया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों का फूलमाला पहनाकर सम्मान भी किया गया। डंपी खान की रिपोर्ट। हम वार्ड नंबर 9 के पार्षद लालाराम गुना है। साहब हमारे नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी हैं। हाँ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब थे जन्मदिन जो बन रहा है अपने शहर में, तो हमने उनसे प्रेरणा लेकर के नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने सबसे पहले झाड़ू उठाया उन्होंने, उठाया याद है ना, उन्होंने झाड़ू उठाकर जब सफाई अभियान चलाया तो कलेक्टर उन्होंने झाड़ू लगाई। हमें विश्वास नहीं था कभी कलेक्टर झाड़ू लगाएंगे, उनसे हमने प्रेरणा लेकर के आज हमारे वार्ड नंबर 9 में सफाई अभियान चलाया है सुबह 6 बजे से लेकर। भाषण भी दी है और आप सभी से भी निवेदन है पूरे स्टूडेंटों से कि आप जब अपने घर पे जाएं तो अपने मम्मी पापा को भी बताएं कि आज के बाद अपन को अपना कचरा ढोर पे नहीं डालना है और नाले में डालना है, और आपके घरों के आगे कचरा गाड़ी नहीं पहुँचती है तो आप हमें बताएँ, हमारा नंबर आपके चर्चे में आएगा। ठीक है ना, और आप सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप देश का भविष्य हो, अपनी पढ़ाई में सब ध्यान दें और एक हम कार्यक्रम कराएंगे वार्ड और कलेक्टर साहब एस पी साहब को बुला करके और प्रमाण पत्र दे करके तुमको बस वार्ड नंबर 9 का आपको नाम रोशन करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, करोगे साथ दोगे आप हमारा? यस मैम, यस मैम।
और हमारे लायक कभी कोई भी काम हो तो बिल्कुल एक फोन लगाना, हम आपको घर पर उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, मैं हमारे हिसाब से ही कहूँगा, दो शब्द वो भी बोले। सबसे पहले आप लोगों को सबको शुभकामनाएँ कि आप शिक्षा के स्तर पर बहुत ऊँचाइयों पर जाएँ। उसके बाद ये जैसे स्वच्छता का अभियान जो हमारे पार्षद जी ने चलाया है, कि निश्चित रूप से शहर को स्वच्छता बनाने में बड़ा योगदान दिया है। कोई स्वच्छता किसी व्यक्ति का काम नहीं है, ये अपने सफाई तक ध्यान दिया कि झाड़ती चले जाए, कोई पास झाड़ती चले जाएंगे हम जला देंगे, कैसे होगा? दूसरे शहर में चले जाते तो झाड़ती के व्यक्ति में शर्म आदमी को कितना साफ है, कैसे खेले? तो इसी तरह से आप हम सभी बच्चे भी इसको बड़ा योगदान दे सकते हैं। घर पर रुक सकते हैं, अपने घर से कोई कैसा बाहर फेंकता है रुक सकते हैं, कहीं मम्मी मतलब देखो गाड़ी आएगी तो उसी में डालेंगे, तो सबसे बंद हो गया तो कचरा रहेगा ही नहीं। हमें कचरे को सफाई से ज़्यादा कचरे को रोकने पर ध्यान देना है, गंदगी को फैलाने पर ध्यान देना है। अगर अपना कचरा फैलेगा नहीं, गंदगी फैलेगी नहीं, तो अपने आप ही सफाई जाएगी शहर में। इसलिए आप सब लोग आप भी अपने अपने घरों से इसमें सफाई व्यवस्था में अपना योगदान दें और शहर को स्वच्छ बनाने में। ये हमारा अभियान ये हर संडे को चला करेगा, सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक। तो आप में से भी कोई आना चाहता हो, आपके परिवार से कोई आना चाहता हो, तो आप लोग भी बुला सकते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा रोठाई मंडल के द्वारा वृक्षारोपण फल एवं बिस्किट वितरण कर मनाया मोदी जी का जन्मोत्सव। भारतीय जनता युवा मोर्चा रोठाईया मंडल ने आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के सभी वरिष्ठ एवं शक्ति स्वरूपा सभी बहनों के द्वारा पूरे रोठाई मंडल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम सम्पन्न कराया। भारत को उन्नति के अधिकारों पर स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज वृक्षारोपण फल वितरण बिस्किट वितरण कर मनाया गया। रोठाई मंडल अध्यक्ष नितिन शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में सभी युवा मोर्चा के युवा साथी, महिला मोर्चा की मातृशक्ति एवं वरिष्ठ जन भारतीय जनता पार्टी की ओर से कदम मिलाकर इन सभी कार्यक्रमों में सहभागिता निभाई। यह पखवाड़ा 2 अक्टूबर से भी आगे तक चलेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से रूठे मंडल में हजारों की संख्या में वृक्षारोपण होना है। सभी युवा साथी एवं सहयोगी संगठन, सामाजिक संगठन एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर होते हैं प्रधानमंत्री को बोला जाता है। तो आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम एक छोटा सा एक कार्यक्रम कर रहे हैं। कहीं किसी विद्यालय में बिस्किट वितरण करना है, किसी विद्यालय में केला वितरण करना है। अभी सब 2000 वृक्ष आ रहे हैं तो उनका वृक्षारोपण करना है। झाभी आपको लगे यहाँ पर सामूहिक वृक्षारोपण करना है और आपके घर में खेतों पर झाभी लगाना हो, वृक्षारोपण अपने पास वृक्ष अवेलेबल होंगे तो आप लगाना चाहें तो हमारे स्कूल में लगा जी है ना, वो अभी आ रहे हैं सर। ठीक है ना, तो हम आज वृक्षारोपण कर रहे हैं, हम सब कुछ अच्छा करें ना, वृक्षारोपण कर रहे हैं, हम बच्चों को फल बांटे, हम आज ब्लड डोनेट करें, किसी जरूरतमंद को ब्लड की आवश्यकता हो उसके लिए ब्लड दें, किसी भूखे को भोजन कराएं। मतलब हर एक दिन त्योहार ही है, हम यदि अच्छा करने निकले ना तो हर एक दिन हमारे घर से निकला हुआ एक कदम हर समय उत्सव पैदा करता है। हम जब आनंदित होकर घर में जाए तो भी आनंदित रहे और घर से बाहर निकले तो भी हम स्कूल में आए जब भी आनंदित रहे, खुश रहे, पढ़ने जा रहे हैं, हाथ में बैग हो, पानी की बोतल हो, टिफिन साथ में हो, कहाँ जा रहे हैं? पढ़ने। और जब यहाँ से पढ़ के जाओ तो बस घर पे जाके और पूरी सच्चे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्मदिन है आज। क्या है? हाँ, मोदी जी को तो जानते हैं सब। कौन कौन जानता है मोदी जी? बहादुर राजा सभी लोग जानते हैं मोदी जी को, और प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं। कौन कौन जानता है प्रधानमंत्री जी को? प्रधानमंत्री कौन है अपने? आपको वो मूंग मिली थी क्या? मूंग मूंग की दाल वो हरी हरी सी मिली थी, उसपे एक फोटो बना था, देखा था ठेला पे, एक बूढ़े से बुजुर्ग व्यक्ति है, दाढ़ी सी बड़ी हुई है, चश्मा लगा हुआ, सफेद से बाल है, देखा था? किसने देखा था? देखा था वही हमारे प्रधानमंत्री हैं। कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी। कौन है मोदी जी? प्रधानमंत्री। बोलो कौन है मोदी जी? इंग्लिश में क्या बोलेंगे इनको?
मकसूदनगढ़ में गुरुजी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सभी गुरुजी पहले तो मकसूदनगढ़ के गुना रोड हनुमान मंदिर पर इकट्ठा हुए। इसके बाद नारेबाजी करते हुए सभी गुरुजी मकसूदनगढ़ तहसील कार्यालय पहुंचे। यहां तहसीलदार निशा भारद्वाज को सभी ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। मकसूदनगढ़ से संवाददाता टोनी शाह की रिपोर्ट। हमारी एक मांग है गुरुजी वरिष्ठता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में ये घोषणा कर दी थी कि गुरुजियों को वरिष्ठता नियुक्ति दिनांक से दी जाएगी, जिसकी आज दिनांक तक ना तो कोई आदेश है ना ही कोई आश्वासन है। और उसी संदर्भ में हम आज हर तहसील स्तर पर सभी गुरुजी भाई अपनी मांगों का और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी उसका स्मरण दिलाने के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है कि हमारे गुरुजी वरिष्ठता से चाहिए। हम 1997 से ईजीएस गुरुजी के नाम से कार्य रहे थे। 2003 में हमारा पूरी जितनी ईजीएस शाला थी सब प्राथमिक शाला में उन्नयन हो चुकी थी और छत्तीसगढ़ में गुरुजी वरिष्ठता मिल चुकी है जबकि हमारे यहाँ नहीं मिली है। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है, आज हमारा उद्देश्य हमारी वरिष्ठता चाहिए। और सीएम सामने उनके सीएम आवास से घोषणा की थी 21 जनवरी 2018 को कि वरिष्ठकरण दिया जाएगा, जो आज तक नहीं दिया गया। अगर गुरुजी वरिष्ठता नहीं देते हैं वो, तो आज का आंदोलन जो आज चल रहा है तहसील कार्यालय में दिया जा रहा है। और तहसील कार्यालय के बाद 25 तारीख जिले में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इसके बाद तक भी हमारी मांग नहीं मानी, एक हफ्ता इंतजार करेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश के लगभग 25,000 गुरुजी मध्य प्रदेश में कूच करेंगे भोपाल के लिए, और भोपाल में हमारी मांगों को माना जाएगा और नहीं माना जाएगा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तालाबंदी करके हम बिल्कुल आज तक ही बैठेंगे। 2 महीने लग जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। हमारी मांग को सीएम साहब को मानना होगी, उन्होंने घोषणा की है और उस घोषणा पर अमल उन्हें करना होगी। अगर घोषणा पर अमल नहीं करते हैं तो उनको हम जब तक अमल नहीं करेंगे जब तक हमारी हड़ताल नित्य सतत जारी रहेगी, चाहे भूख हड़ताल करना पड़े, इसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम नहीं पीछे हटेंगे। तालाबंदी ये मान लीजिए 25 तारीख के बाद जो निर्णय होगा प्रांतीय समिति का, उसके हिसाब से हम अपना आगामी रणनीति तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान अंतर्गत नगरीय क्षेत्र गुना में 18 सितंबर 2022 को वार्ड क्रमांक 1 मंडी प्रांगण में आयोजित किया गया। इस शिविर में वार्ड निवासियों द्वारा विभिन्न योजनाओं से संबंधित 28 आवेदन प्राप्त हुए एवं वार्ड क्रमांक 3 प्रताप छात्रावास में शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में वार्ड निवासियों द्वारा विभिन्न योजनाओं से संबंधित 18 आवेदन प्राप्त हुए। शिविर का अनुविभागीय अधिकारी गुना वीरेंद्र सिंह बघेल, जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया एवं पीओ आईसीडीएस प्रदीप नारायण मिश्रा, जिला जनसंपर्क अधिकारी बीएस मीना द्वारा अवलोकन किया गया। इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम व वार्ड के हितग्राही उपस्थित थे। इसी क्रम में 18 सितंबर 2022 को ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत गुना की ग्राम पंचायत बरखेड़ा गिर्द भेड़ाघाट गड़ा अग्रा, जनपद पंचायत बमोरी अंतर्गत फतेहगढ़ बमोरी पाटन अमरोध, जनपद पंचायत चाचोड़ा के आमखेड़ा बापचा विक्रम बड़ा गांव बापचा लहरिया अलीखेड़ी बटावदा, जनपद पंचायत आरोन अंतर्गत भादौर इमलिया छतपाल चौपन, जनपद पंचायत राघोगढ़ अंतर्गत बलरामपुरा बाखेर डांग बिशनखेड़ा में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त जिलाधिकारियों द्वारा भ्रमण कर शिविरों का अवलोकन किया गया। गुना संजय स्टेडियम पर भारतीय जनता पार्टी के खेल प्रकोष्ठ के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार के मार्गदर्शन से भाजपा खेल प्रकोष्ठ के जिला खेल प्रकोष्ठ संयोजक अजय प्रजापति ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का सम्मान किया गया है। सभी खिलाड़ियों का भाजपा के जिला अध्यक्ष के द्वारा खिलाड़ियों को माला पहनाकर उनका प्रोत्साहन बढ़ाया। वहीं खेलों में आगे बढ़कर अपने जिले व प्रदेश व माता पिता गुरुओं का नाम रोशन करने के लिए अच्छी मेहनत करें, लगन से खेलें। और मंच पर उपस्थित भाजपा के वरिष्ठ नेता राधेश्याम धाकड़ डॉ भूपेन्द्र धाकरे ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर गोविंद सैन, दुर्गेश्वर सक्सेना, अतुल शर्मा, अजय प्रजापति, मोहित साहू उपस्थित थे। बास्केटबॉल, नेटबॉल, थ्रोबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी के खिलाड़ी मौजूद थे। सही है सर। आज मोदी जी का जन्मदिन हम सब लोग सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं।
वैसे तो मोदी जी जन्मदिन मनाते नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री जन सेवा के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अंतर्गत जो प्रत्येक हितग्राही है जिसको लाभ मिलना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का, उसके लिए पूरे 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक पूरे शासन स्तर पर, प्रत्येक वार्ड स्तर पर, पंचायत स्तर तक जो लाभार्थी हैं उनको लाभ दिलाने के लिए शासन का प्रत्येक कर्मचारी कार्य करेगा। भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्येक कार्यकर्ता इन्हीं कामों में लगा हुआ है। सेवा के कार्य 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा। इसमें आज हम लोग खेल ग्राउंड पर आए थे, जो नेशनल और स्टेट खिलाड़ी हैं उनका हमने सम्मान किया है, जो प्रशिक्षक गण हैं उनका भी हमने सम्मान किया है। हमारे खेल प्रकोष्ठ के द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम किया गया था। इसके लिए मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूँ, जो प्रशिक्षक गण हैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। पार्टी के सभी वरिष्ठ मेरे साथ आए थे, उन सभी के द्वारा आज खिलाड़ियों को प्रोत्साहन किया गया है। और जो बड़े खिलाड़ी थे हमारे नेशनल और राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय, उनका सम्मान किया। धन्यवाद, जय जवाहर। गजेंद्र सिंह सिकरवार, भाजपा जिलाध्यक्ष। गुना जिले के बमोरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्वाल टोरिया पर जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तालाब बनाने की मंजूरी दी गई थी और सर्वे भी हो चुका है, वहां पर तालाब बनने पर सर्व आदिवासी समाज द्वारा निरस्त करने के लिए मीटिंग रखी गई, जिसमें आदिवासी समाज की जमीन डूब में जा रही है। वहीं काबर, बमोरी, आटाखेड़ी, कागुरवा, डाग और मानपुर आदिवासी लोग उपस्थित हुए और इस तालाब को निरस्त किए जाने के लिए कहा गया। आदिवासी युवा शक्ति संगठन द्वारा 23/9/2022 को गुना में कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा, इसमें सुनवाई नहीं होती है तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। यहां पर टीम भी मौके पर पहुंची और जायजा लिया, जिसमें सलाम सिंह तोमर, कैलाश चौहान जय जिला स्तरीय कार्यकर्ता, हरि भवेल जय जिला उपाध्यक्ष, जयपाल सिंह जामोद जय जिला मीडिया प्रभारी सहित कई लोग उपस्थित हुए। जो काबर बमोरी तालाब, जो काबर बमोरी के पास में ग्वाल टोरिया तालाब है, उसको लेकर सर्व आदिवासी समाज द्वारा आज बैठक रखी गई। उस बैठक में निर्णय लिया गया है कि आने वाली 23 तारीख को गुना जिले में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा और सभी क्षेत्र से अधिक संख्या में आए आदिवासी समाज और इस तालाब को रोकने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आकर अपना योगदान उपस्थिति योगदान दें। कहते हैं पड़ोसी नाते रिश्तेदारों से भी ज्यादा खास होते हैं, ये सही भी है क्योंकि इंसान के हर सुख दुख में सबसे पहले पड़ोसी ही आकर खड़ा होता है। लेकिन जिले के चाचोड़ा में एक मामला इसके ठीक उलट सामने आया, जहां एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के सूने पड़े मकान में लेजम से पानी छोड़ रहा है तो कभी मकान की दीवारों को जानबूझकर गीला कर रहा है। मामले में चाचोड़ा तहसीलदार से शिकायत की गई। गोपाल पुत्र ओम प्रकाश विश्वकर्मा निवासी वार्ड नंबर 5 लखेरा मोहल्ला चाचोड़ा ने अपनी शिकायती आवेदन में बताया कि महेंद्र सोनी, रवि मनीष और राहुल सोनी द्वारा मेरे मकान की दीवारों पर पानी डाला जा रहा है। इतना ही नहीं, दीवारों में छेद कर लेजम से अंदर पानी डालने तक का प्रयास किया जा रहा है। मना करने पर उक्त लोग झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। फरियादी की माने तो 4 साल पूर्व भी संबंधितों ने इसी तरह किया था। मना करने पर हमारे साथ झगड़ा कर मारपीट की गई थी। ये पूरा मामला चाचोड़ा न्यायालय तक भी पहुंचा और मामले में संबंधितों को 6-6 माह की सजा भी हुई। वर्तमान में भी उक्त मामला चाचोड़ा न्यायालय में चल रहा है, उसके बावजूद ये दबंगाई दिखाते हुए कभी खुद तो कभी नौकरों से मकान में पानी छुड़वा रहे हैं। फरियादी ने अपने आवेदन में बताया कि वह इन लोगों के डर से मकान भी छोड़ चुका है और वर्तमान में किराए के मकान में रह रहा है। तहसीलदार से उक्त मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान अंतर्गत जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास विभाग द्वारा संचालित मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत गुना जिले के मछुआरों को लाभान्वित किया जा रहा है। जिले में संचालित योजना अंतर्गत जिले के समस्त मछुआरों को योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। सहायक संचालक मत्स्य विभाग गुना फिरोजुद्दीन पाशा द्वारा बताया गया कि जिले में मछुआ के लिए क्रेडिट कार्ड योजना संचालित है। जिले के समस्त मछुआ जो मत्स्य क्रय विक्रय और नदियों में मत्स्य खेत, मत्स्य बीज संवर्धन और मछुआ सहकारी समिति समूह के सदस्य, निजी मत्स्य पालकों को इस योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। मत्स्य विभाग गुना द्वारा इसी योजना अंतर्गत कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए द्वारा जनप्रतिनिधियों सहित जिला स्तरीय शिविर के दौरान विकासखंड चाचोड़ा के हितग्राहियों को 10,000 रुपये प्रति सदस्य क्रेडिट कार्ड
राष्ट्रीय बैंक ऑफ इंडिया शाखा बीनागंज द्वारा स्वीकृत कर वितरण कराया गया। हितग्राही दौलराम भील, नारायण सिंह भील, राम सिंह भील, कीर्ति भील, रामकिशन भील, निवासी खानपुर विकासखंड चाचूड़ा जिला गुना को कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि रमेश मालवीय, मत्स्य निरीक्षक डीएस मीना सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रदान किया गया। जनपद पंचायत चाचूड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत अजगरा में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत आयोजित शिविर हुआ पौधारोपण। जनपद पंचायत चाचूड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत अजगरा में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत आयोजित शिविर में पौधारोपण किया गया। आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक ममता मीना, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रथम कौशिक, पूर्व IPS रघुवीर सिंह मीना, जनपद अध्यक्ष प्रकाश बाई मीना, जनपद CEO चाचूड़ा राजेश शाह के शुभम जैन, तहसीलदार सरपंच कृष्णा बाई मीना और जनपद के सभी सदस्यगण और ग्रामवासी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कौशिक द्वारा ग्राम में चलाए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही उपस्थित ग्रामवासियों से चर्चा कर उन्हें ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण के प्रति प्रेरित किया गया। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर आजाद अध्यापक संघ ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। यह धरना प्रदर्शन जिला स्तर सहित ब्लॉक पर भी किया जा रहा है। वहीं संगठन के सदस्यों ने कहा कि आगामी दिनों में स्कूल में तालाबंदी की तैयारी भी कर सकते हैं। वह संगठन के सदस्य ने कहा कि उन्होंने कई बार जिला स्तर सहित प्रदेश स्तर पर भी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए अब वह यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डम्मी खान की रिपोर्ट। आज गुना का दूसरा दिन लगातार जारी है और पुरानी पेंशन को लेकर सरकार से हम बार बार कई बार आग्रह भी किया जा चुका है, लेकिन बार बार आग्रह करने के बाद कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और सरकार से मैं यही आग्रह निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में चुनाव भी हैं, अब अगर हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं सुना गया तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। और 2018 में भी 230 में से 165 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा डाक मतपत्रों से हार गई थी और एक दर्जन से अधिक विधायक डाक मतपत्रों से ही कांग्रेस के जीते थे, जिसकी बदौलत कांग्रेस की सरकार बनी। तो कर्मचारी चूँकि शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण दोनों होते हैं, आने वाले समय में अगर अनदेखा किया गया तो परिणाम गंभीर साबित हो सकते हैं भाजपा के लिए। अपनी मांगों को लेकर गुरुजी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सभी गुरुजी पहले तो स्वतंत्रता पार्क पर इकट्ठा हुए, इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। जैसे कि 5 सितंबर भोपाल में गुरुजी संयुक्त मोर्चा गठन किया गया, गुरुजियों के सारे संगठनों को एक किया गया। इसके बाद सभी ने निर्णय लिया कि परम सम्मानी मुख्यमंत्री जी के यहाँ अपनी बात पहुँचाई जाए और बात पहुँचाने के लिए अपन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पूरे मध्य प्रदेश के सारे ब्लॉकों में आज 18 सितंबर को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री जी को 21 जनवरी 2018 को जो घोषणा की थी परम सम्मानी मुख्यमंत्री जी ने कि गुरुजियों को उनका वरिष्ठता क्रम भी मिलेगा, लेकिन आज 4 साल 6 माह हो चुके हैं, वरिष्ठता क्रम के आदेश जारी नहीं हुए हैं। इसी क्रम में हम मुख्यमंत्री जी को उनकी घोषणा को याद दिलाने के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री स्मरण रैली निकाल कर और ज्ञापन सारे ब्लॉकों में दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज गुना जिले में भी ये एक दिवसीय ज्ञापन स्वतंत्रता पार्क में रखा गया है। क्या नाम है भाई साहब? मैं केशव प्रसाद त्यागी, प्रांतीय संयोजक गुरुजी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश। स्पाइसेस बोर्ड प्रदेश कार्यालय गुना द्वारा STDF में सहयोग से चलाए जा रहे भारत से मसाला मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने हेतु धनिया में जो है अच्छी कृषि प्रथाएं और अच्छी स्वच्छता पद्धतियों के तहत चयनित ग्राम गुलवाड़ा कुंभराज से किसानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 120 लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें प्रश्न से आने वाले समय में गुना में धनिया की गुणवत्ता में सुधार होगा और निर्यात में वृद्धि होगी। स्पाइस बोर्ड के प्रदेश कार्यालय गुना के श्री भरत गुडाड़े जी ने धनिया के उच्च गुणवत्ता, उसके अंतर्राष्ट्रीय मानक पर धनिया की अच्छी किस्मों व भूमि सुधार पर प्रकाश डाला। निर्यात संवर्धन अधिकारी आशीष जायसवाल ने किसानों को धनिया के विदेशों के
में जो है गुणवत्ता सुधार से होने वाली आमदनी का लाभ की संभावना को बताया व सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम का आयोजन फील्ड कोऑर्डिनेटर रामकिशोर किरार ने किया। कार्यक्रम का संचालन फील्ड कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सुहेल ने किया। आगे 21 से 23 सितंबर के बीच ग्राम से चयनित 30 किसानों को राजस्थान के रामगंज मंडी व अजमेर NRCSS बिजिया मसाला राजस्थान में भ्रमण के लिए जाएंगे, जहाँ धनिया के अच्छे वीजे के बारे में ट्रेनिंग लेके आएंगे और बाकी किसानों से साझा करेंगे। कार्यक्रम में गुलवाड़ा के सरपंच उपलब्ध रहे। विगत वर्ष स्पाइस बोर्ड ने मध्य प्रदेश में 1950 उच्च गुणवत्ता के तरपाल मसाले की गुणवत्ता सुधार हेतु अनुदान पर उपलब्ध कराए थे और 18 लोगों को थ्रेशर पर अनुदान प्रदान किया था, जिससे मसाला गुणवत्ता में सुधार हो सका। स्पाइस बोर्ड के द्वारा मसाले की फैक्ट्री के लिए भी स्पाइस पार्क गुना में उपलब्धता कराई जाती है तथा मसाला निर्यात के लिए लगाई गई मशीन पे अनुदान की व्यवस्था है। अटेंड करने के लिए पता है आप लोगों को, दो दिन से मैं ट्रेन से सफर कर रहा हूँ और पूरे भारत वर्ष में सिर्फ दो गांव का चयन हुआ है, इसमें आपका गांव है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आते रहेंगे, जो भी सुविधा जो अच्छी चीज़ें देना चाहे हम लोग अभी बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर हम लोग बताएंगे दे नहीं पाएंगे तो आप लोग बोलेंगे कि आपने बोला या फिर दिया नहीं। आने वाली चीज़ें में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है और डेफिनेटली उसका फायदा होगा, तो कोशिश ये कीजिए कि जब भी ट्रेनिंग रहेगी वो टाइम पर सब लोग यहाँ पे आएंगे। थैंक यू, प्लीज आशीष। हाँ, अच्छा सा बीज की बात बिल्कुल बिल्कुल वो भी करेंगे। अच्छा सा बीज का जो विषय है तो मैंने शुरू में ही बताया कि 21 22 23 को हम लोग चलेंगे, बस में चलेंगे, जितना इच्छा होगा वहाँ से भर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए, ठीक है ना, आप चलेंगे नहीं चलेंगे? चलेंगे, चल रहे हैं। बोरी ले जाने की जरूरत नहीं है, इच्छा होगी तो ले लेना, बोरी भी ले लेना आप लोग, कोई बात नहीं। ऊपर नीचे नहीं होगा, वो सरकार की संस्था है, 200 रुपए केजी ऑलरेडी वहां पर डिसाइडेड है, 200 रुपए प्रति केजी के हिसाब से। ठीक है, 200 रुपए एक किलो का, आप जितना चाहिए उतना से आप लगा लीजिएगा। अब वहाँ जाने का ले जाने का व्यवस्था हमारा है, साथ में खिलाने की व्यवस्था हमारा, जी बताए। सत्रह सितंबर 2022 को आरोन तहसील में 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक शहर में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत लगाया जाएगा शिविर। शिविर का आज प्रथम दिवस वार्ड नंबर एक और वार्ड नंबर दो में 11 बजे से 5 बजे तक शिविर लगाया जाएगा, जिसमें सभी वार्डवासी अपनी समस्याओं को लेकर अपना समाधान कर सकते हैं। शिविर में उपस्थित तहसीलदार, नगर परिषद CMO और साथ में कर्मचारी, पटवारी, महिला बाल विकास अधिकारी, आरोन अस्पताल अधिकारी, वार्ड पार्षद सभी उपस्थित रहे, जिसमें सभी वार्डवासियों का निराकरण किया गया। साथ ही में शिविर का अभियान क्रमश हर दिन दो वार्ड में रखा जाएगा। यह मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। साथ में तहसीलदार महोदय के साथ सभी अधिकारियों और स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मिलकर पौधारोपण किया। वार्ड नंबर 27 के पार्षद श्री शेखर वशिष्ठ द्वारा संभागीय सचिव बनने वार्ड वासियों सहित स्वागत उनका किया गया। घनश्याम श्रीवास्तव संभागीय सचिव ने पार्षद से कहा कि प्रत्येक रविवार को प्रातः 8 से 9 बजे तक वार्ड वासियों से संपर्क कर उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे एवं साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने हेतु सभी वार्डवासियों को जागृत करने के लिए पहल करने का प्रयास करेंगे। घनश्याम श्रीवास्तव संभागीय सचिव पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश संभाग ग्वालियर एवं अध्यक्ष शासकीय पेंशनर एवं सेवानिवृत्ति कर्मचारी संघ जिला गुना। छोटे भाई वशिष्ठ जी पार्षद बने और पार्षद के पूर्व भी हमारे 27 वार्ड में लगातार काम करते रहे और आज वार्ड में आकर समस्याओं का जायज़ा लेते हुए निराकरण का आश्वासन दिया गया और जिस प्रकार वार्ड 27 के लोग जागरूक हैं, हम अपेक्षा करते हैं जैसा कि उन्होंने कहा है कि कचरा गाड़ी में आए तो निश्चित तौर पे हम लोग सभी वार्डवासी ये दृढ़ संकल्प करें कि इसको, इस वार्ड को साफ सफाई से मुक्त रखें, साफ सफाई करें।
वैसे तो 9 सितंबर को देश के सम्मानीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ कर दिया गया, पर 17 सितंबर को रेडक्रॉस भवन जिला चिकित्सालय गुना में पोषण सहायता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस आयोजन में योजना को जिले में मूर्त रूप दिखाया गया। इस अभियान के अंतर्गत टीबी का उपचार ले रहे मरीजों को सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसके तहत राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निक्षय मित्र बनाए जा रहे हैं। यह निक्षय मित्र किसी क्षेत्र ब्लॉक शहर के टीबी मरीजों को गोद लेंगे और जब तक उनका उपचार चल रहा है तब तक उन्हें पोषण सहायता एवं अन्य सहायता उपलब्ध करवाएंगे। इस अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजकुमार वशीश्वर एवं जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रघुवंशी के आह्वान पर एमआईएमए अध्यक्ष डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी के प्रोत्साहन पर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समाज द्वारा स्वयं को निश्चय मित्र के रूप में रजिस्टर करवाया गया। कार्यक्रम के सूत्रधर रहे डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी ने बताया कि हम सभी सामाजिक संगठन व्यापारी संगठन मिलकर अपने जिले को टीवी मुक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। इस कड़ी में सभी सक्षम वर्ग को टीवी मित्र बनकर टीवी मरीजों की सहायता करनी चाहिए। मारवाड़ी समाज सम्मेलन की ओर से उप मराठी ने बताया कि स्वयं को एक अपने साथियों को निश्चय मित्र के रूप में पंजीकृत कर मरीजों को प्रत्येक माह आवश्यक पोषण आहार उपलब्ध करवाते रहेंगे और ये हमारे लिए गर्व की बात है। मारवाड़ी महिला सम्मेलन से इस कार्यशाला में उप मराठी शशि राठी, नीलम मंगल, अनीता मित्तल, आशा मित्तल, उषा अग्रवाल ने स्वयं को निश्चय मित्र के रूप में पंजीकृत कराया था। जिले के 5 टीवी मरीजों को प्रथम माह का पोषण आहार भी वितरित किया गया। ग्राम बारवान तहसील बमौरी जिला गुना में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें एलईडी प्रोजेक्टर के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन दिखाया गया, जिसमें गुना म्याना बमौरी राधोगढ़ और आसपास के गांव के कई श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सत्संग आयोजनकर्ता ने बताया कि रूढ़िवादी परंपराओं व सामाजिक कुरीतियों ने समाज को जकड़ रखा है। हर तरफ हाहाकार मची हुई है, कहीं बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है तो कहीं आडंबर की वजह से लोगों को दुख झेलना पड़ता है। ऐसे समय में पूरे समाज को पूर्ण गुरु की जरूरत है, ताकि सभी सत्य साधना करके इस मृत्यु मंडल से हमेशा के लिए छुटकारा पाले। वर्तमान समय में पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान से समाज में फैली कुरीतियों जैसे दहेज, चोरी, रिश्वत, भ्रूण हत्या को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया है। संत जी ने सत्संग में भी बताया कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ होता है। 84 लाख प्रकार की योनियां भोगने के बाद इंसान को मनुष्य जीवन मिलता है, और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके सतलोक अर्थात अमर लोक में जाना है। लेकिन मनुष्य देखा देखी की होड़ व समाज की चकाचौंध में इतना डूब जाता है कि उसे सही भगवान और पूर्ण गुरु की पहचान नहीं हो पाती। संत जी ने सत्संग के माध्यम से पूर्ण गुरु की पहचान बताई तथा सामाजिक सुधार के बारे में लोगों को अवगत कराया। संत जी ने दहेज को दानव बताते हुए लोगों को दहेज मुक्त विवाह करने की प्रेरणा दी। सत्संग के दौरान संत जी के मंगल प्रवचन से प्रभावित होकर कई लोगों ने संत जी से नाम दीक्षा ग्रहण की, और तहसील सेवादार राम प्रसाद दास, नाथुराम दास, राम दयाल दास, पप्पू मौजूद रहे। सत साहेब, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मुनेत्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से सत्संगों का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश जिला गुना में समाज से हमारे सद्गुरुदेव जी का मुख्य उद्देश्य समाज से कुरीतियों को विनाश करना, समाज सुधार एवं स्वच्छ भारत का निर्माण करना है, जिसमें विश्व को सत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, भारत से दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ फेंकना, नशा मुक्त भारत बनाना, मांसाहार मुक्त भारत बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, मानव समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, मानव समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना, मानव समाज से भ्रूण हत्या समाप्त करना, मानव समाज से शांति व भाईचारा स्थापित करना, मानव समाज से सामाजिक बुराइयों को खत्म करके धरती को स्वर्ग बनाना, मानव समाज में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना हमारे मिशन का सतगुरु रामपाल जी का मेन उद्देश्य है। सत साहेब। मधुसूदनगढ़ रविवार को संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने जीने की राह ज्ञान गंगा और गीता तेरा ज्ञान
अमृत आध्यात्मिक पुस्तकों की सेवा शीतलपुर, हरिपुरा, चैनपुरा, मनासा, खेड़ी, खेजरा आदि ग्रामों में जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सेवा की गई। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकों का सेवा करने का उद्देश्य है कि समाज में शांति और भाईचारा स्थापित करना है और असामाजिक तत्वों को दूर करना है। समाज से दहेज रूपी कुरीतियों को जड़ से खत्म करना है। समाज में हो रहे अत्याचार, नशा, चोरी, रिश्वतखोरी, भ्रूण हत्या, बलात्कार जैसे अपराधों पर रोक लगाने के लिए पुस्तकों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानकारी दी। सभी जाति की व सभी धर्म के लोगों ने, हिंदू व मुस्लिम भाइयों ने पुस्तक को बड़े ही प्रेम से लिया और कहा कि इन पुस्तकों में बहुत अच्छी बातें लिखी है, भगवान की सही भक्ति शास्त्रों अनुसार लिखी है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि अच्छे दिन पाछे गए सदगुरु ने किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। पुस्तकों में जानकारी दी गई है कि परमात्मा साकार है या निराकार, पूर्ण संत की क्या पहचान है, पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा, इन सभी प्रश्नों की जानकारी प्रमाणित सहित जो है पुस्तकों में दी गई है। पुस्तक सेवा में उपस्थित सेवादार करण दास, कमल दास, हंसराज दास, अंकित दास। भारत में अनेक राज्यों में पैर पसार रहे लंपी रोग ने मध्य प्रदेश के राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और भी अन्य राज्यों में यह बीमारी ने अपनी चरम सीमा पार कर हजारों की तादाद में अभी तक गौ माता इस बीमारी के कारण मारी गई है। इसको देखते हुए श्रीराम गौशाला अभुलाया के सभी सदस्य एवं ग्रामीण जनों ने गौवंश की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो है उन्हें दवाई दी गई और काड़ा गौशाला के सदस्य भगत सिंह धाकर जी के द्वारा दिया गया। बताया गया कि इस कार्य को देने का मूल उद्देश्य है गौ माता के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, साथ ही यदि सामान्यता एवं लंबी रोग की थोड़ी सी लक्षण दिखे तो नीम की पत्तियों को पानी में डालकर उबाले और फिटकरी डाले और ठंडा होने पर गाय को उससे स्नान कराए, जिससे इस रोग को रोकने में जो है मदद मिलेगी। रविवार विशेष प्रवचन सभा में मंगल प्रवचन करते हुए जैन आचार्य विद्यासागर जी महाराज की शिक्षा आरिका निष्काम मती माता जी ने मंगल करते हुए कहा कि पांचों इंद्रियों को पाकर यह समझ रहे हैं कि हमने रामराज पा लिया। हमारी स्थिति यह है कि कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम फूल जाते हैं और कोई हमारी निंदा करता है तो क्रोध आ जाता है या मुंह लटक जाता है। हमारे आंख और कान दो ऐसी इंद्रियां हैं जिनसे सबसे ज्यादा पाप होते हैं। मुनिराज कठोर साधना कर पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। जो सच्चे साधक होते हैं अपनी साधना में रहते हैं और अपनी दृष्टि ऊंची नहीं करते हैं। आरिका माता जी ने कहा कि प्रभु की भक्ति में अपार शक्ति है, भक्ति से हमें जीवन में शक्ति मिलती है। सुकरात, मीरा और जैन आचार्य कुनकुन आचार्य ने सच्ची भक्ति की थी और वह भक्ति में डूब गए थे। भक्ति का अमृत बिना मांगे मिल जाता है। हमारे जीवन में हमें दो रास्ते मिले हैं, एक तरफ विषय और कषाय है, दूसरी तरफ धर्म का मार्ग। हमारे पुरुषार्थ को हमें धर्म की ओर लगाना है। आपने कहा इस सदी के महान संत साक्षात भगवान के प्रतिरूप आचार्य विद्यासागर जी महाराज वर्तमान में शिवपुर महाराष्ट्र में चातुर्मास कर रहे हैं। जैन समाज राघोगढ़ को आपने आह्वान किया कि समाज जनों को शिवपुर पहुंचकर आचार्य जी के दर्शन कर उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। उनकी कृपा से ही राघोगढ़ नगर में चातुर्मास में धर्म की गंगा बह रही है।